अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये हमारी वीडियो आज की जो है स्टेडियम की, राफी क्रिकेट स्टेडियम की। तो फैनी जो ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई स्टेडियम का काम का क्या हुआ, मतलब कि चल रहा है ये बंद हो गया। तो समझो कि बंद ही हो गया एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो लड़के रहते थे 6 से 7, उनका भी जो है ना, उनमें से 4 का ट्रांसफ़र हो गया, बाकी रह गए 3। मतलब कि वो भी सारी देखभाल के लिए, तो थोड़ा बहुत काम। अगर 220 टन क्रेन जो है, 3 या 4 रह गए जो वेल्डर, 3 4 रह गए, बाकी स्टाफ वाले हो गए, 3 4 वो हो गए, टोटली मतलब कि 9 बंदे तक हैं साइड पे। तो काम चालू होना था 12 महीने की पहली डेट तक, तो पहले महीने में वो बंद हो रहा है। मतलब कि वो जो केसेस वगैरह था, काफ़ी कमेंट आए थे भाई, कह रहे थे कि यार केस वगैरह हुआ पड़ा है प्रोजेक्ट पे। तो बाकी भाई वो इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था, मैंने फिर बाद में पता कराया तो कंफर्म क्या चीज़ है। तो कंफर्म यही सीन है कि भाई काम पहले महीने तक बंद होगा, हो जाएगा पहले महीने तक। क्लोजिंग अभी स्टार्ट है, पहले महीने में बंद होगा। उसके बाद जो है ना, वो जो स्टेडियम पे हैं लड़के, वो भी जो है ना इंशाल्लाह शौकत खाने पे आ जाएंगे। तो फिलहाल भाई राफी क्रिकेट स्टेडियम की ये जो है ना, ऐसे समझो कि ये लास्ट अपडेट है, आखिरी वीडियो। हाँ, 12 महीने में अगर काम स्टार्ट हो गया, 12 महीने या पहले महीने में, तो इंशाल्लाह डेली पे अपडेट किया करूँगा। तो फिलहाल तो समझो कि ये लास्ट ही है। और बाकी जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं हम लोगों ने बस यही साइड की जो फ्रंट वाले लगवानी थी, फ्रंट वाले मेरे ख्याल से कोई 18 20 लग चुकी हैं VIP एरिया की। तो उसके साथ ऊपर ब्रीचर भी रख रहे हैं, आराम आराम से ब्रीचर भी रखने स्टार्ट हैं। बस यही सीन है कि भाई पहले महीने तक काम क्लोज हो जाएगा। आज मेरे ख्याल से 17 तारीख है, आज 17 डेट है, बस बाकी 13 दिन ही रह गए। तो बस यही लास्ट दिन में जो है ना, अगर काम चलना होगा तो 12 महीने में चल जाएगा, 12वें की पहली डेट तक। तो मतलब कन्फर्म जो है ना, 12 महीने पता चलेगा कि भाई काम चलेगा या बंद होगा। वैसे भी 12वां महीना क्लोजिंग का होता है हर साइड में, कोई भी साइड हो तो वो क्लोजिंग का होता है। क्योंकि यार जो जो मतलब कि पेमेंट वगैरह इशू होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट की कोई भी चीज़ें वगैरह इशू होती हैं, वो सब क्लियर करके देनी पड़ती हैं MD को, हो गया मतलब कि जो उनका ओनर है कंपनी का, तो सबमिट करनी पड़ती है। तो उसमें वैसे भी क्लोजिंग होती है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा वर्कर होते हैं उनको भी निकाला जाता है। उसके बाद जो है ना, कोई भी चीज़ हो तो वो होता है 12वां महीना इसी में। तो कोई पता नहीं कि भाई 12वें महीने में क्या होता है, ठीक है ना। तो काम चल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। बाकी रहे 3 4 बंदे के, 3 4 बंदों को निकाल के तो काम ही बंद होगा। सिंपल सी बात है कि 12वें महीने में काम बंद हो जाएगा। और उसके बाद रही बात भाई वीडियो की, तो यार फिलहाल जो है ना टाइम नहीं मिल रहा शौकत खाना पे, तो क्योंकि मेन और का काम है यहाँ पे जो ना, रात के कोई बज जाते हैं 10 बजे 11 बजे, क्योंकि इसलिए कोई वीडियो वगैरह मैं बना नहीं रहा, और बनाऊंगा तो फिर वीडियो एडिट करने में टाइम थोड़ा लगता है। क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि टाइम निकालना पड़ता है वॉइस ओवर के लिए, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके जो है ना, फिर मैं थोड़ा ढीला भी हो गया हूँ, मतलब कि खुद जो है ना, वो जैसे कहते हैं कि एक नया नया शौक हो ना बंदे को, कोई भी बंदा हो एक नया नया शौक हो, तो वो मतलब दिल लगा के काम करता है। जब एक बार उसका थोड़ा सा दिल उड़ जाए ना, फिर दोबारा दिल ही नहीं करता किसी काम में। मेरा भी यही हाल हुआ पड़ा है, जब से मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है ना शौकत खाना पर, मेरा दिल ही नहीं लग रहा यहाँ पर और किसी काम में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं थोड़ा मतलब कि टाइम निकालूँ, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी मैं जो है ना टाइम निकालूंगा फ़िलहाल, तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक तक जो है ना कोई अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएंगे और जो है ना एंटरटेन करेंगे, शुक्र मिला होगा VIP करके। बाकी जो है ना रहे हमारे साथ, अपने चैनल को फिर से कह रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। बाकी इंशाल्लाह व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, फिर शुगर मेला लगाएंगे साथ में, टीटो पार्टी अभी, बाकी जो ना प्रोजेक्ट प्लान में जो जो प्रोजेक्ट में जो जो मेरे काम होंगे, मतलब कि जो जो मैं डेली बेसिस पे जो भी करता हूँ काम, तो उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी जिन भाइयों को इतराज़ है तो फिर उनके लिए भाई माजरत होगी, और जिन भाइयों मतलब जो भाई दिल से खुश है तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह फिर मैं जो ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। बाकी राफी क्रिकेट स्टेडियम से भाई ये लास्ट ही वीडियो, ख़त्म। बाकी जब प्रोजेक्ट चालू होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे अपडेट करूँगा, ठीक है। फिलहाल काम इतना स्लो चल रहा है, मैं चाहूँ तो वहाँ से कोई पुरानी वीडियो उठा के चलो एडिट करके डालूँ, मुझे तो मसला नहीं है। व्यूज़ कमाने तो मैं व्यूज़ ऐसे ही कमा सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार जो भाई हैं, जो मतलब कि रियलिटी है, जो अपडेट है वही करूँ मैं। बाकी फेक व्यू पर तो आवाम मिलियन मिलियन कमा रही है, मिलियन व्यूज़ कमा रही है, 2 2 मिलियन, 10 10 मिलियन, मैंने खुद देखे हैं यार। बाकी आप लोगों ने भी देखे होंगे यार फेक वीडियोज़ पर, कोई एक फेक थंबनेल लगाओ बंदा भाई मिलियन व्यू कमा ले, मसले नहीं है, व्यूज़ कमाने में कोई इशू भी नहीं है।
बाकी भाई एक अपनी पहचान बनाने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत होती है उसमें, मतलब कि हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी पहचान बनाने में। बाकी यार वही वही तो बात है ना, पाकिस्तानी में वो चीज़ है ही नहीं हार्ड वर्क करने वाली, दिल ही नहीं करता किसी, मतलब कि मेहनत करने को, कहती है भाई ऐसे ही जो ना मेहनत ऐसे ही काम हो जाए, पर ऐसे काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी इंशाल्लाह करेंगे हम सब साथ मिलके, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। बाकी आप सब भाइयों की दुआ चाहिए। तो बाकी भाई यही सीन है, जो काम था मैंने आप लोगों के साथ जो ने शेयर किया भाई, यही अपडेट थी राफी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जो है डेली बेसिस पे अपडेट किया करूँगा। बाकी जो भी बातचीत हो भाई नीचे कमेंट पे मैसेज कमेंट लाजम करना, तो इंशाल्लाह मैं हर भाई को कमेंट का जवाब दूंगा। तो जिस भाई का कमेंट थोड़ा सा मतलब कि कुछ अलग टाइप का हो, तो वो भाई उस भाई के लिए मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ। बाकी कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।